खत्म हुआ नरमा कपास किसानों का इंतजार, आखिरकार आ ही गई वो खबर जिसका किसानों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, पिछले दो सालों से भारतीय कॉटन किसानों को नई सीड टेक्नोलॉजी का इंतजार था, क्योंकि इससे पहले भारतीय किसान जिस बीटी नरमा की खेती करते आ रहे हैं उनको जो टेक्निक दी जा रही है बोलगार्ड 2, वो अब धीरे धीरे गुलाबी सुंडी यानी पिंक बोलवर्म के प्रति रेसिस्टेंट नहीं रहा। लिहाजा किसानों के खेतों में गुलाबी सुंडी का प्रकोप बड़ी मात्रा में देखा गया और पिछले दो सालों में कॉटन किसानों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन अब भारतीय किसानों को भी नई कॉटन सीड टेक्नोलॉजी मिलने वाली है, लेकिन अफसोस इस बात का रहेगा कि जो काम दो साल पहले हो जाना चाहिए था वो दो साल बाद होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, भारतीय कॉटन किसानों को लंबे समय से इंतजार है। देश में भी नई कॉटन वैरायटी यानी कॉटन सीड टेक्नोलॉजी BT3 या BT4 लॉन्च हो, जिससे किसानों को गुलाबी सुंडी से छुटकारा मिले। मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक दो साल बाद देश में नई कॉटन वैरायटी या कॉटन सीड टेक्नोलॉजी लॉन्च हो जाएगी। आपको बता दें कि जलगांव में आयोजित हुई कपास व्यापार बैठक के अवसर पर राज्यपाल से विशेष बातचीत हुई। उस समय मिस्टर राज्यपाल ने कहा, कपास बीज में नई तकनीक देश में पहले आ जानी चाहिए थी। देश में कपास की उत्पादकता भी बढ़नी चाहिए, इससे किसानों को भी लाभ होगा और कपास उद्योग की श्रृंखला भी पूरक होगी। नई किस्म को लेकर देश के जीनिंग प्रोसेसिंग उद्यमियों, कपड़ा उद्योग और किसान आदि ने कृषि मंत्री से भी बातचीत की। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने इस बारे में जानकारी दी। इस बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि इस संबंध में अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। इस किस्म को आनुवंशिक रूप से संशोधित किया जाएगा, जिससे कपास का उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही ये किस्म बीमारियों या कीड़ों से भी प्रभावित नहीं होगी। इससे किसानों को कीटनाशक पर जो लागत आती है वो भी कम रहेगी, साथ ही उत्पादन और आय में वृद्धि होगी। कपास की नई किस्म देश में मौजूदा कपास की उत्पादन की तुलना से 30-40% तक अधिक उत्पादन कर पाएगी। आपको बता दें कि अमेरिका और अन्य देशों में इस प्रकार की किस्में पहले से ही उपलब्ध हैं। एक ही समय में चुनाई हो जाती है और कपास की फसल को फिर से नहीं चुनाई करनी पड़ती, वहाँ मशीनों से कटाई होती है। भारतीय किसानों को भी इंतजार था कि उन्हें भी ऐसी ही किस्में देखने को मिलेगी, क्योंकि नरमा कपास की खेती में पेस्टिसाइड के बाद सबसे ज़्यादा खर्च कपास की चुगाई पर होता है। ये सोचा गया कि भारत में भी इस तरीके की किस्में आएंगी जिसमें एक ही साथ चुनाई हो जाए, लेकिन हमें एक बार फिर से इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल भारतीय किसान जो बीटी कॉटन की खेती करते हैं उसमें प्रति हेक्टेयर 50,000 तक पौधे होते हैं, लेकिन नई किस्म जो लॉन्च होने वाली है उसमें प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या 1,00,000 तक रखी जा सकती है, जिससे उत्पादन भी अधिक होगा। खैर, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जल्द ही ये नई किस्म किसानों को मिले, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो और किसानों को बीटी कॉटन में गुलाबी सुंडी या पिंक बोलवरम से छुटकारा मिले। जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक और अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करें, और खेती किसानी की ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।